8. ध्रुव ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। ध्रुव के सामने ठीक उसी की तरह दिखने वाला कोई इंसान अपने पैरों से लटका हुआ था। ध्रुव पीछे उस टैरो कार्ड रीडर की तरफ मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। ध्रुव ने वहां लगे आईनों की तरफ देखा तो उन आईनों के अंदर जैसे बहुत सारे लोग कैद थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन आईनों में क्या कैद है। ध्रुव उन आईनों की तरफ बढ़ा। उसमें से एक आईने की तरफ जब ध्रुव ने ध्यान से देखा तो उसमें वही लड़की कैद थी जो सामने टैरो कार्ड पढ़ रही थी। एक अनजाने डर ने ध्रुव को घेर लिया था। उसने सोच समझकर अपना हाथ तो आगे बढ़ा लिया, पर जैसे ही ध्रुव ने आईने पर अपना हाथ रखा किसी ने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। अरे बर्थडे है तुम्हारा ईशा, और तुम हो कि खातिरदारी में ही लगी हुई हो। गिफ्ट्स तो देखो हमारे, क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं तुम्हें। हाँ हाँ, उसी के लिए तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ हर साल। अरे वाह, तुम लोगों को मेरी नई हॉबी के बारे में पता चला तो ये टैरो डेक ले आए। ध्रुव ये सब खड़ा दूर से देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इस बर्थडे पार्टी से आखिर ईशा का हेल लूप कैसे जुड़ा है। ईशा जैसे ही पीछे मुड़ी वो हैरान रह गई। कमरे में कोई भी नहीं था। ईशा पीछे मुड़ी तो वहां उसके दोस्त तो नहीं थे, पर एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। उसका पूरा शरीर एक क्लोक से ढका हुआ था। उस क्लोक से ढके हुए इंसान के हाथ में कुछ था, कोई धार सी बनी हुई लोहे की चीज जिस पर खून रिस रिस कर गिर रहा था। कौन हो तुम? मेरे दोस्त कहाँ है? कार्ड निकालो। ईशा को लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। उसने चारों तरफ देखा पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने थोड़ा सोचते हुए अपनी कांपती हाथों से टैरो कार्ड उठाया और उसमें से कार्ड शफल करके तीन कार्ड निकाले। मां, मां, मां। आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया और अपनी उसी अजीब सी आवाज में कहा, कार्ड्स देखो। ये कैसे हो सकता है? एक कार्ड में दो सेम कार्ड कैसे हो सकते हैं? ईशा ने एक कार्ड पलटा। उसमें लिखा था डेथ। ईशा ने कांपते हुए हाथ से दोबारा एक और कार्ड पलटा तो वो देखकर ईशा हैरान रह गई, क्योंकि दूसरे कार्ड पर ठीक पहले कार्ड की तरह खून से लिखा था डेथ। ईशा ने कांपते हुए तीसरा कार्ड निकाला, पर उस तीसरे कार्ड को देखकर ईशा उतनी ही हैरान थी, क्योंकि तीसरा कार्ड पर भी एक ही वर्ड लिखा था जिस पर उसी आदमी का सिंबल बना हुआ था और उसके साथ लिखा था डेथ। ईशा ने डरते हुए जब आगे देखा तो ईशा को लगा जैसे ये कोई घटिया मजाक चल रहा था, पर उसके सामने पड़ी हुई लाशों को देखकर ईशा कैसे मानती कि ये कोई सपना था। उसके दोस्तों की लाशें।
और उनकी निकली हुई सफेद आंखें जैसे ईशा को घूर कर देख रही थी। ये सब क्या था? ये मार्क्स बहन चोद, अबे साले उठ। साले, तुम्हारी वजह से रण में ही मरेंगे हम। अबे प्रेत नगरी की गलियों में हम और लवुची हाथ पकड़कर चल रहे थे तुम्हारे भूत भाइयों से दूर, और अब साला थात। अबे साले उठ, साले दो चमाट मारेंगे। तुमको प्रेत नगरी में सबूत ढूंढने भेजे थे कि लावण्य जी के साथ गुटरगू करने। सारे खुद तो तुम रात में प्रेत नगरी की तवायफ बनके माया जी और उनके भूतों के लिए मुजरा करने जाते हो, और बाप से जवान लड़ाओगे। ओ गॉड, तुम दोनों कितना लड़ते हो। मेरा सर भारी हो रहा है। ध्रुव, कुछ पता चला? पता तो चला है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई लड़की दिखी थी मुझे, जिसके हाथ में टैरो कार्ड्स थे, और वहाँ अजीब सी चीजें थी, जैसे टैरो कार्ड के सिंबल्स जिंदा हो गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, पर इससे भी बड़ी बात कि इन टैरो कार्ड से विराज का क्या लेना देना है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा कोई केस तो हुआ होगा ध्रुव, बस हमें पता करना होगा। ओ बेटे, ये देख, कमरे के बाहर कोई पैम्फलेट लग कर गया है। ध्रुव ने जैसे ही उस पैम्फलेट को देखा, ध्रुव हैरान रह गया। उस पैम्फलेट का लोगो ठीक वैसा ही था जैसा ध्रुव ने ईशा के कार्ड में देखा था। द सिंबल ऑफ डेथ? पर ये कैसे पॉसिबल है? ये मार्क तो मैंने ईशा के कमरे में उसे जो गुमनाम टैरो कार्ड डेक मिला था उस पर देखा था। ये कोई टैरो ट्रेडिंग वर्कशॉप है, और इस पे डेट देखो, सिंस 1910, यानी अगर तुमने यही सिंबल्स उस डेक पर देखा था तो शायद तुम्हें ईशा के बारे में वहाँ कुछ पता चले। पर ये कहाँ होने वाला है? हमारे कॉलेज में ही। ठीक है फिर, लेट्स जॉइन द वर्कशॉप, शायद हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम अभी भी अनजान हैं। अबे तुम दोनों चंगू मंगू अब टैरो कार्ड रीडिंग सीखोगे? लावण्या जी, आप पर तो ये आधा पौना विचक्राफ्ट सूट भी करेगा। गधे के टट्टे से भी बुरी शक्ल वाले हमें हमारे इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना ही बताएं तो अच्छा है। लकी प्लीज, देखो उस रात को इन्हीं गधों ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। तुम्हारे भूत भाइयों को इसके पीछे नहीं छोड़ सकते? असम से पता रहे, बंगाली बाबा को कह के इसके पीछे एक दो हॉर्नी भूत तो हम ही छुड़वा दे। लार टपकाना बंद नहीं होता इस जेंजी कुत्ते का। अभी देखूंगी ना, वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। तो ठीक है, मैं अप्रूव करवा दूंगा, पर आप क्लास में मेरे साथ पार्टनर रहेंगी। ठीक है, हमारी पार्टनर भी फिर हसीना जी रहेंगी। What? हाँ हाँ, हम दोनों की पार्टनर रहेंगी। Fine. देखो बेद्रो, हमसे प्यार का वादा करके लावण्या जी किसी और का हाथ पकड़ कर जा रही हैं। अबे साले, रोना बंद करो और चलो क्लास में, हसीना जी को भी मनाना पड़ेगा अब तो। जो भी कहो, विराज भैया का कॉलेज है बहुत अमीर। बताओ, पूरे कॉलेज का छोटा मोटा हॉगवर्ट्स बना दिया है। अब आगे का क्या प्लान है ध्रुव? हमें यहाँ बस किसी भी तरह उनके फॉर्मर स्टूडेंट्स की जानकारी निकालनी है। इस वर्कशॉप का जो भी लीडर होगा शायद वो हमारी मदद कर दे। ये लो, वो आ गई। कौन? ध्रुव ने दरवाजे की तरफ देखा। काले क्लोक में ऊपर से नीचे ढकी एक लड़की क्लास के बीचों बीच जा रही थी। उसके अजीब कपड़ों को देखकर सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बे ये तो मायूस मीना की नाजायज औलाद लग रही है बे। वेलकम एवरीवन, अकल साइंस के इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स के बारे में। कई लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड्स आपका फ्यूचर बताते हैं, पर नहीं, ये सिर्फ आपको आपकी प्रेजेंट एनर्जीज के बेसिक पर सिर्फ गाइड कर सकते हैं। दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे
आप ऐसी चीजें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और मैं हूँ आपकी मेंटर, ईशा। What? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ईशा तो प्रेत नगरी में है, तो यहाँ कौन है?